पहले तो वो BMW का नाम निकला है, तो मैं वंस फॉर ऑल क्लियर करना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो हरीश शर्मा का इवेंट था अराउंड 2 या 3 साल पहले, आई डोंट नो। तो उसमें BMW शोरूम का एम्प्लॉई आया था। तो वो जब ही समझा कि वो BMW का एम्प्लॉई है और फाउंडर भी है, और तभी मैंने ये कमेंट किया था कि आपको स्टॉक रखना पड़ेगा क्योंकि वो खाली हो जाएगा। तो डेफिनेटली वो ऑन पैसिव स्टार्ट होने के बाद बात का ही मैंने ये किया था। समाउ उसको मरोड़ क्या ट्विस्ट टर्न करके कुछ भी किया गया रहे, और वो भी 2-3 साल पहले का है। तो यू आर वेलकम टू यूज इट, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। यू आर हियरिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। एब्सोल्युटली और दूसरा चीज, OP360 में हुआ था एक इंटरेस्टिंग चीज, उन्होंने बोला था एशनी की 80% इज साइकोलॉजी एंड 20% इज मैकेनिकल। और जो तो यानी बेसिकली आपका पीपल बिजनेस होता है वो पीपल बिजनेस पे ध्यान यानी मेनली डिपेंड होता है। तो जो 20% है उसमें भी बोला कि हमारा क्या 20% हम पीछे यानी बाकी नहीं है, उसमें भी हमारा 95% टुवर्ड्स सक्सेस है, उन्होंने ये लास्ट वाले वेबिनार में बोला। तो इसलिए मेरे को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यस हम बहुत क्लोज है। एंड आई एम श्योर कि आई डोंट नो द डेट्स, मैं किसी को डेट्स नहीं देता। जो भी है हम क्लोज है, इतना ही मेरे को लगता है। थैंक यू। एब्सोल्युटली बिल्कुल नीरज, वी आर सो क्लोज। जस्ट क्योंकि क्लोज का मतलब ये है कि ऑन पैसे तो ऑलरेडी बनी हुई है, प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, चीजें बनी हुई हैं, सारे जस्ट मिस्टर एश को अभी वो बंद करके चीजों को ओके करके और जस्ट हमारे सामने पेश करना। अभी ये नहीं कि कोडिंग हो रही है, ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके वो ऑलरेडी हो चुका है, बन चुका है, एवरीथिंग हो रहा है। ओकनेट ऑलरेडी हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा था, एवरीथिंग इज सो सो हो रहा है। वो जस्ट चीजों को समेट के थोड़ा उसको फाइन ट्यून करके और वो करके और वो हमारे सामने अभी लाने वाले हैं। ओके और जो मिस्टर एस की अगर जो कन्वर्सेशन हुई हमारे साथ उस पे जाए तो उन्होंने बोला कि इससे आप जो जो लोग हम सोच रहे हैं उस सोच से बहुत जल्दी ऑन पैसे आने वाली है, राइट। तो उन्होंने ये प्रिसाइसली 2-3 बार बोली हमें, राइट। तो क्योंकि हमें भी ऐसा था कि आपको इतना शायद टाइम लग जाए ऐसा, बट उन्होंने एग्जैक्टली बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। ओके okay? उनको भी मालूम है, उनको भी मालूम है कि कंपनी को रन करने के लिए पैसे की सर्कुलेशन जो भी चाहिए होती है। ओके द मनी शुड 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 कम इनटू कंपनी, गो इन फ्रॉम द कंपनी, तो सारा चीज होता है, तभी तभी एक बिजनेस रन होता है, राइट। तो उनको मालूम है, तो सुनी सुनाई बातों के ऊपर मत जाया करिए। कौन क्या बोल रहा है इजिप्ट में बैठा, छोड़ दीजिए। मैं आपको एक सजेशन दूंगा, हमारे इंडिया के बहुत सारे फाउंडर्स हैं, इजिप्ट में कोई हैं वो कुछ ना कुछ पोस्ट डालते हैं, और हमारे इंडिया के बहुत सारे जो फाउंडर्स हैं, बहुत सारे फाउंडर्स हैं, वो कमेंट करते हैं, उसको छोड़ दीजिए। यू यू डोंट नो। ओके पीछे बैकएंड के ऊपर जस्ट थोड़ा उधर और आ करिए, ये मेरी सजेशन है, राइट। एंड वो कुछ भी लिख रहे हैं, बट अगेन सुनी सुनाई बातों पर मत जाया करिए। बिलीव इन मिस्टर ऐश, वो वही कुछ कर रहे हैं जो एक्चुअल में उनको जब समझ आ गए सारी चीजें तो वो करके ला के हमारे लिए वो पेश करने वाले हैं। उनको भी रियलाइज हुई बहुत सारी चीजें कि नहीं कौन लॉयल है इस कंपनी के, कौन नहीं है। ओके तो उनको जब मर कि इतने लाखों लोग, लाखों फाउंडर जो लॉयल हैं, आराम से टिक के बैठे हुए ऑन पैसिव के बीच में, और उनको कैसे मुझे अपलिफ्ट करना है, और जो नॉन लॉयल लोग थे, चाहे स्टाफ में थे, चाहे दुबई में थे, चाहे इजिप्ट में थे, चाहे कहीं फाउंडर्स में भी, वट एवर जो भी है, तो उनको वो चीजें फिगर आउट करने में टाइम लगा। क्योंकि जब आप विश्वास करते जा रहे हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आके तो वो टूटना ही था, तो वो टूटा। ओके बट अगेन स्ट्रांग माइंडसेट, साइकोलॉजिकली वो स्ट्रांग हैं, तो उन्होंने ठीक है ओके इसको समअप करके अच्छे से करके और दोबारा से लोगों के सामने लिखेंगे। दैट इज अ कमिटमेंट, वो कमिटमेंट उधर ही है। एंड आप देखते रहना, जब भी अभी ऑन पैसे हुए सारा कुछ सही करके
पूरी टोटैलिटी में तैयार करके लाने वाले हैं, जो ऐश के दिमाग में है अभी, कि मुझे ये नहीं कि अच्छा अब ये हो गया ठीक है फिर से ओपनर यूज करते रहो इतने महीने, ऐसा कुछ नहीं। उनका यह कि जब आऊं वहां पे पेमेंट्स का भी सारा सिस्टम हो, वहां पे बाकी सारी चीजें भी हो, शायद ओ वेरीफाई भी हो, ओ ट्रैकर, ये वो सारी चीजें हो, और एक ही झटके में उसको चीज को लेके स्टार्ट किया जाए, उनके दिमाग में ये बात है। तो लेट्स सी, लेट्स वेट कि वो कैसे अभी हमारे सामने जब आएंगे तो क्या पेश करने वाले हैं। गिव हिम अ टाइम, गिव हिम वो चर, क्योंकि यही अपॉर्चुनिटी है, कुछ नहीं है मार्केट में, नथिंग एल्स इज देयर जहां पे हमें एज ए 100% विश्वास हो कि ये चीज तो हमें पता नहीं कहां लेके जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। एनीवेज दिस वाज अ वेरी गुड कन्वर्सेशन। अगर डॉक्टर केडी है बोलना चाहते हैं कुछ बोले, देन वी विल रैप अप। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मुझे खुशी इस बात की कि पिछले 20 से 25 दिनों का जो कन्वर्सेशन चल रहा है सर का पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ में, इंडियन कम्युनिटी के साथ में, तो समराइज अगर करूं उस पूरे के पूरे चीजों को, तो उन्होंने ऑनरशिप अभी मतलब एक खुद के लिए अकाउंटेबिलिटी भी खुद की ले ली है, ऑनरशिप भी खुद में ले ली है। अब हम कॉज एंड इफेक्ट रूल्स की अगर हम बारे में बात करें तो अभी तक किसी और की वजह से कारण पैदा हो रहे थे जिसका प्रभाव, जिसका रिजल्ट गलत आ रहा था, लेकिन अब एस सर ने ही सब कुछ अपने हाथों में लिया हुआ है, तो 100% अब सिचुएशन एस सर के अनुसार ही रिजल्ट के तौर में कन्वर्ट होगी, जिसकी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है और पूरा 100% मैं यू नो आसान्वित भी हूं। तो होप फॉर द बेस्ट, जैसा आपने कहा बहुत बढ़िया, और समय की जहां तक बात है वो तो एस सर ही बता पाएंगे, लेकिन ये है कि हम लोग यू नो अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत जल्दी वी आर गोइंग टू यू नो एग्जीक्यूट ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। थैंक यू डॉक्टर कड़ी, थैंक यू। यस, ओवर टू नीरज। मैं लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा कि यस, मार्केट में बहुत से प्रोग्राम्स है, लेकिन ऑन पैसिव ही एक बिजनेस ऐसा है कि नॉट ओनली वो उनका, यानी बहुत से बिजनेस है वो अपना प्रॉफिट हो कैसे होगा उस पर ही कॉन्सेंट पूरा टाइम कॉन्सेंट्रेशन रहता है, लेकिन ऑन पैसिव का ये है, ऑफकोर्स कंपनी तो प्रॉफिट में होनी चाहिए, प्लस वो आपको भी प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हो, तो प्लीज बने रहिए ऑन पैसिव के साथ। ऐश के इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं एंड आई एम श्योर बहुत जल्द ही हम वेबसाइट भी आएगा और बाकी सब भी आपको खुद एक्सपीरियंस कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सबका, एंड ऐसे ही बने रहिए, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग एंड बी प्रसाइजली टू दैट पॉइंट ओनली। अगर आपको किसी डिस्कस करना है, कुछ करना है ऑन पैसे के बारे में डिस्कस करिए, डोंट डिस्कस इंडिविजुअल्स कोई भी हो, ओके, डिस्कस अबाउट ऑन पैसे, डिस्कस अबाउट व्हाट द अपडेट, और उस लेवल पे हम लोग सारे मिलकर काम करें। आई थिंक दैट इज व्हाट अ नीड ऑफ द आवर, तो उसके जरिए ही हम लोग काम करेंगे। आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स आएंगी आप लोग सुनेंगे, हम लोग सुनेंगे, अगर कुछ और बताने लायक हुआ, अगर मिस्टर एस से कोई अपडेट मिलती है हम जरूर बताएंगे आपको, राइट। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, राइट नीरज। चिल, रिलैक्स, नमस्कार सभी को।